प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी आपका राशिफल। इस राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल से उपाय, राशि अनुसार ही आपका शुभंक और शुभ रंग भी, पंचांग बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकी में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में। तो दिन है सोमवार का, तारीख है 7 अगस्त 2023, श्रावण अधिक कृष्ण सप्तमी पर चंद्रमा मेष राशि और अश्वनी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य, राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक का, भद्रा रहेगी सुबह 5:46 से लेकर शाम को 4:41 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 4:41 से लेकर शाम को 7:45 तक। और विशेष क्या है, श्रावण सोमवार है, अधिमास का श्रावण सोमवार, देवादिदेव महादेव का विशेष दिन है। और हमारा जो विशेष उपाय है वो भी सावन के सोमवार से ही जुड़ा हुआ है, बताएंगे आपको बिगड़ी सेहत में कैसे सुधार आएगा, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, नए लोगों के संपर्क से लाभ होगा, वाहन सुख के योग हैं, घर की चिंता रहेगी, भाषा पर काबू रखें, प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा, यात्रा सफल रहेगी। उपाय ये करें कि इलायची दूध से धोकर जल प्रवाह करें, शुभंग 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, व्यापार में तरक्की के योग हैं, खर्चों में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में कड़ा परिश्रम करेंगे, संपत्ति के कार्यों से लाभ होगा, आंखों के रोगों से परेशान रहेंगे। उपाय ये करें कि कनिष्ठका उंगली से मस्तक पर चंदन लगाएं, शुभंग 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। तीसरी राशि मिथुन यानी जमना की बात करेंगे, विदेश से लाभ के योग हैं, धर्म कर्मों में रुचि लेंगे, छात्र पढ़ाई में सफल रहेंगे, करियर को लेकर सलाह लेंगे, पिछले कामकाज से बड़ा लाभ होगा। उपाय ये करें कि गरीब बच्चों में चावल दान करें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे, ग्रह क्लेश से परेशान रहेंगे, किसी मित्र से बुरी खबर सुनने को मिलने के योग हैं, व्यापार में धन लाभ होगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। उपाय ये करेंगे कागज़ पर श्रीम लिखकर पर्स में रखें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, दाम्पत्य में मतभेद रहेगा, आय के नए स्रोत मिलेंगे, धर्म कर्म में रुचि लेंगे, सेहत हालांकि नरम रहेगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, बुजुर्गों की सलाह से लाभ के योग हैं। उपाय ये करें कि पूजा घर में चंदन चढ़ाएं, शुभंग 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। छठी राशि कन्या यानी वर्गो की बात करेंगे, कार्य की अधिकता रहेगी, संतान की उन्नति से खुश रहेंगे, वाणी पर अपनी काबू रखें, कोई खुशखबरी मिलेगी, दाम्पत्य तालमेल बढ़ेगा, घरेलू काम में व्यस्त रहेंगे। उपाय ये करें कि चंदन की धूप जलाएं, शुभंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे, प्रयास सफल रहेंगे, अचानक धन लाभ के योग हैं, जरूरी काम में सफलता मिलेगी, हर काम सोच समझ करके करें, घरेलू वातावरण खुशनुमा रहेगा। उपाय ये करेंगे तिजोरी में चावल के दाने रखें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, खर्चों में वृद्धि होगी, धन लाभ के मौके हाथ से निकल सकते हैं, मानसिक तनाव जो है वो बना रहेगा, पिता के साथ में मतभेद के योग हैं, संतान से संबंध सुधरेंगे। उपाय ये करेंगे सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे, फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, सेहत पर अपनी थोड़ा सा ध्यान दें, लंबी दूरी की यात्रा से लाभ के योग हैं, प्रेम संबंधों को लेकर सतर्क रहें, पेट संबंधित समस्या परेशान कर देगी। उपाय ये करें कि पूजा घर में खीर चढ़ाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। दसवीं राशि मकर यानी कि केप्रकाउन की बात करेंगे, नई कारोबारी योजनाओं से लाभ होगा, शत्रुओं से सतर्क रहें, पारिवारिक माहौल में तनाव रहेगा, धन निवेश से लाभ होगा, पुराने दोस्तों से भेंट होगी। उपाय ये करें कि सिक्के पर चंदन लगाकर पर्स में रखें, शुभंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, सोच समझ कर ही निवेश करें, नौकरी में लाभ के मौके मिलेंगे, दफ्तर का माहौल बेहतर बना रहेगा, जंक फूड खाने से बचें। उपाय ये करें कि सफ़ेद रंग के मोजे पहने, शुभंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। बारहवीं राशि मीन यानी कि पाइसिस की बात करेंगे, कुंवारों को मनचाहा साथी मिलने के योग हैं, कारोबारी हानि से चिंता बढ़ सकती है, विवाद से हानि के योग हैं, जोखिम लेने से बचें, छात्रों की पढ़ाई जो है वो बेहतर रहेगी। उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र पर चंदन से तिलक करें, शुभंग 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो सेहत में सुधार लेकर आएगा। देखिए खास दिन है, अधिमास श्रावण का सोमवार है और ऐसे में देवादिदेव महादेव के पूजन का विधान है, तो क्या करें,
सेहत में सुधार के लिए शिवलिंग का पूजन करें और बिल्व पत्र पर सफ़ेद चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और इस पूरे प्रयोग में विशेष मंत्र का जाप करें, ओम सोम कला धर मौले नमः, ओम सोम कला धर मौले नमः। आश्वस्त करता हूँ सेहत में निश्चित सुधार आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।